नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे निकल की, क्योंकि बड़ी तेजी वहां पर आई है और 10% से ज्यादा दाम एमसीएफ पर निकल के बढ़ गए हैं, जबकि एलएमई पर दाम नीचे आए हैं। तो हो क्या रहा है निकल में ये, और क्या मतलब अभी इस मार्केट में एंट्री के बारे में सोचना ठीक है या दूर रहना चाहिए, इसी पर पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुनील कटके कोटक सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या हो क्या रहा है निकल में ये? जी नमस्कार मित्र जी। देखिए, एज ऑफ नाउ तो एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जहां पर एलएमई जो अपने एक रूल सेट कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:30 बजे के आसपास एलएमई में ट्रेडिंग शुरू होती है और उसमें भी 15% के लिमिट्स हैं। तो एज ऑफ नाउ जिन ट्रेडर्स का एग्जिस्टिंग पोजिशन है वही अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करने में लगे हुए हैं और फ्रेश पोजिशन नहीं ली जा रही है, इसलिए एक इलिक्विड मार्केट एनवायरनमेंट है, जिस वजह से हमें कभी 15% अपसाइड सर्किट, कभी 15% लोअर सर्किट, या कभी 8% अपसाइड, कभी 6% लोअर साइड, ये देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जब तक जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है नहीं कटेगी, तब तक इलिक्विडिटी रहेगी बाजार में और नए एंट्रेंट जो है थोड़े दूर रहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर एक दबाव का माहौल बना हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 112 रुपए नीचे है, इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमतें भी दबाव में हैं, तो आप जरा बताइए गोल्ड और सिल्वर में क्या किया जाए। कटके जी नमस्कार। मुझे जी, मुझे लगता है गोल्ड एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा कॉमेक्स पे गोल्ड 1967 डॉलर तक छूके, अभी 1950-1956 डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक डेटा पे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे यूएस का न्यू होम सेल्स डेटा थोड़ा खराब आया था, उसके चलते हमें गोल्ड में थोड़ा जंप देखने को मिला था। बट अभी थोड़ा रिस्क एपेटाइट धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इन द मीन टाइम इवन जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो अभी भी फर्मली स्टूड हैं अपर साइड में, तो उसका कहीं ना कहीं दबाव जो है हमको देखने को मिल रहा है। और फेड की तरफ से ये क्लैरिटी है कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए वो अग्रेसिव स्टांस आने वाले समय में भी लेंगे, बट मुझे लगता है अभी भी जो रुझान है बाय ऑन डिप का ही रहेगा। जैसे जैसे यूएस के तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि रशिया के ऊपर और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे आने वाले समय में, तो जियोपॉलिटिकली मुझे लगता है सेफ हैवन अभी भी बना हुआ है, और इन्फ्लेशन से पूरा दुनिया जूझ रहा है, तो यूएस भी उसे बचानी है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का रुझान देखने को मिल रहा है। तो मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में विद द करंट फंडामेंटल अगर हम ध्यान रखते हैं तो 51,800 के रेंज में अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में मिलता है, अभी 51,950 के रेंज में है, 100-150 रुपए का करेक्शन मिलता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एंट्री लेवल है। 51,600 का एक सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और मुझे लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में 52,400 तक का लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो अमित जी, लेकिन आपके हिसाब से बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो क्या करें? जी, मैं गोल्ड में बहुत ही सिमिलर ट्रेड देना चाहूंगा, 51,800 के आसपास बाइंग रिकमेंडेड है और 52,200 का टारगेट है। सिमिलरली चांदी में 69 से 69,200 के बीच बाइंग की जा सकती है, और मेरा मानना है कि 70,000 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड की, और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट 117 के नीचे है, WTI क्रूड 110 डॉलर के करीब है, MCX पर कच्चा तेल 1.5% नीचे है। क्रूड में कट के जी क्या व्यू है आपका? संजय जी, अभी यूएस और अलाइज की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से और थोड़ा स्टॉक रिलीज करेंगे मार्केट में, और कजाकिस्तान का जो ऑयल पाइपलाइन का एक तरफ से ब्लॉकेज हुआ था वो अभी थोड़ा बहुत ईज आउट होते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा बहुत क्रूड के प्राइसेस में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्रूड मेरे हिसाब से थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, जो आज के लिए जो ट्रेडर्स हैं अगर उनको वीकेंड का एक ट्रेड लेना है, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा पुल बैक की तरफ थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे 170 रुपये ऑलरेडी MCX में डाउन है, 8,495 चल रहा है जो करंट फंडामेंटल के हिसाब से नीचे आया था, 8,480 या 90 के रेंज में एंट्री लेवल बनता है, 8,440 का एक सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे इवनिंग सेशन में 8,580
यानी यहाँ से और 80 या 90 रुपए की रिकवरी हमें क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। तो बाई की स्ट्रेटेजी मुझे इंट्राडे ट्रेडर्स को रेकमेंड करने में ठीक लगता है। यही लगता है अमित जी, क्रूड में आज बाई करना चाहिए इस गिरावट पे? जी देखिए, मोमेंटम वाइज एक पुलबैक हमें जरूर देखने मिला है, बट मुझे लगता है कि दोबारा अगर 8470 से 80 के नीचे प्राइसेस फिसली तो एक बार यू नो डबल टेस्ट करने के लिए 8300 के लेवल या 8280 के लेवल आ सकते हैं। तो मैं एक्चुअली सेल बिलो की सलाह देना चाहूंगा 8580 के ही स्टॉप के साथ, लेकिन 8450 के नीचे स्पेसिफिकली अगर प्राइस फिसलती है तो सेल करके चलना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, अलग अलग राय जरूर है लेकिन लेवल अलग अलग है, तो आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से काम करें, और अगर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन ना हो तो दूर भी रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड लें ही। ठीक है, ये तो बात हो गई क्रूड की, लेकिन मेटल मार्केट में अमित जी आज के लिए आपका क्या व्यू है और कहाँ पर आपके हिसाब से ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी देखिए, जिंक में हमने काफी अच्छा सेल ऑफ देखा है एक बढ़िया रैली के बाद, जहां पर दाम ऑलमोस्ट कल काफी ऊपर चले गए थे और वहां से रिट्रेसमेंट देखी गई 350 के करीब से। तो मेरा मानना है कि 333 के लेवल के आसपास बाइंग कर सकते हैं एक शॉर्ट कवरिंग के लिए, जहां पर दाम जो है वो 337 से 338 तक जा सकते हैं। तो बाइंग ऑन डिप्स रिकमेंडेड होगी M6 जिंक में। ओके, बाइंग ऑन डिप्स, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस पर आपका व्यू? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कटके जी बताएं नेचुरल गैस पर। हाँ जी, मुझे लगता है नेचुरल गैस का जहां तक रशिया और यूक्रेन की बात चल रही है, कहीं ना कहीं क्योंकि यूरोप एनर्जी फ्रंट पे डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जैसे रशिया के यू नो जो डिपेंडेंसी है उसे बाहर आने में अभी यूरोप को टाइम लगेगा, और उनका अभी जो रीसेंट मीटिंग हुआ उन्होंने कोई कॉन्फिडेंट कॉल नहीं लिया कि हम एनर्जी फ्रंट पे कुछ बैन लगाएंगे रशिया फ्रंट पे, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहेगी। आज 4 रुपये डाउन है मार्केट, 410 का रेंज चल रहा है, बट रशिया कहीं ना कहीं अपना जो सप्लाई है रूबल के यू नो करेंसी के माध्यम से दूसरे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वहाँ पे सप्लाई बढ़ाने की भी बात कर रहा है। तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड रहेगा नेचुरल गैस का, और थोड़ा बहुत पॉजिटिव बयास मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। यूएस की तरफ से विंटर डिमांड भी ठीक है, एलएनजी का एक्सपोर्ट नंबर यूएस के अच्छे हैं, गैस प्रोडक्शन के नंबर उतने अच्छे नहीं है यूएस के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव बयास रहेगा। मेरा ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 410 का जो अभी ट्रेड चल रहा है वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, बाय 404 का स्टॉप लॉस लगा के 421 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया कटके जी आपका, और अमित सजेजा जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।